अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में कर्मचारियों की लंबित मांगों के अविलंब निराकरण के लिए जिला कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा के मुख्य द्वार विशाल धरना दिया गया। महासंघ एकीकृत के प्रदेश प्रमुख महेंद्र सिंह चौधरी व प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत सांकेतिक धरना देकर मांग पत्र के समर्थन में प्रदेश प्रदर्शन करते हुए महासंघ के जिला संयोजक व राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। धरने में महासंघ से जुड़े राजस्थान शिक्षक संघ, अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ, राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन, व्यवसायिक प्रशिक्षण संघ, जलदाय कर्मचारी संघ, राजस्थान आंगनवाड़ी संघ सहित विभिन्न घटकों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। महासंघ के गिरधारी गुज्जर ने बताया कि मांग पत्र में कर्मचारियों की भर्ती, परिवीक्षा काल, वेतन विसंगतियां, चयनित वेतन नाम, पदोन्नति स्थानांतरण सहित विभिन्न मुद्दे शामिल है। धरने में स्थायी राजकर्मियों के साथ विभिन्न वर्गों के संविदा निविदा कार्मिक यथा व्यवसायिक प्रशिक्षकों, पंचायत सहायक, सूचना सहायक, आशा सहयोगिनी आदि की मांगों की जोरदार तरीके से बात उठाई गई। महासंघ की ओर से प्रदेश पर्यवेक्षक विक्रम सिंह सायवत ने भी धरने को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मांग पत्र पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में राज्य भर से कर्मचारी जयपुर कूच करेंगे। धरने को संबोधित करते हुए जिला संयोजक वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार संविदा व निविदा पर कार्यरत कार्मिकों के नियमितीकरण का कार्य शोध शीघ्र करे। संविदा सेवा नियम 2022 में संशोधन, राज्य कर्मचारियों को 7, 14, 21, 28 वर्ष पर 4 ACP का लाभ दिया जाए। खेमराज कमेटी की लाभकारी सिफारिशें तुरंत लागू करने, मंत्रालय कर्मचारियों को सचिवालय पद अनुसार पदोन्नति नियम लागू करने, तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के अविलंब स्थानांतरण करने, सभी विभागों में स्थानांतरण हेतु स्थायी व पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाने, कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांगे रखी। महासंघ से जुड़े राजेंद्र कुमार शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा, नारायण जाट, दुर्गा शंकर सुथार, लादूलाल तेली, प्रताप सिंह, गोपाल लाल खटीक, मान सिंह भागवत सिंह, धर्मेंद्र सिंह सोदा, पवन गर्ग, नीरज आदोच्य, अजय कुमार जैन, महेश मंडोवरा, घनश्याम घटीक, प्रदीप चंडालिया, सावर कुमार ओझा, भगवती लाल शर्मा, रमाकांत तिवारी आदि ने धरने को संबोधित किया। राजस्थान खटीक समाज विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर अखिल भारतीय खटीक समाज ने जिलाध्यक्ष बंसीलाल पटेल की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष बंसीलाल पटेल ने ज्ञापन में बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा सभी समाजों के विकास की ओर ध्यान दिया जाकर विभिन्न बोर्डों निगमों की स्थापना की गई है तथा उनके प्रतिनिधियों को सत्ता व संगठन में पहली बार भागीदारी दी गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा समाज अभी तक इससे वंचित रहा है। समाज के विकास व उत्थान हेतु राजस्थान खटीक समाज विकास बोर्ड का गठन किया जाना आवश्यक है। समाजजनों ने समाज की मांग पर सहानुभूति विचार कर बोर्ड गठित करवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में नाथूलाल डिडवानिया, चांदकरण खोईवाल, शांतिलाल चावला, सत्यनारायण खोईवाल, प्रेमचंद खोईवाल, कैलाश पटेल आदि मौजूद थे। खटीक समाज, हमारा खटीक समाज द्वारा मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जा रहा, जिसमें आज राजस्थान में खटीक समाज का एक समाज कल्याण बोर्ड में गठित होना है। हर समाज का बोर्ड में गठित हो चुका है। तेली समाज, तमोरी समाज, सेन समाज, गुजर समाज, जाट समाज, हमारा खटीक समाज का अभी तक भी कोई गठन नहीं हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं इस बोर्ड में मुख्यमंत्री महोदय को एक निवेदन कर रहे हैं जिलाधीश महोदय के माध्यम से कि पूरा थ्रोट राजस्थान हमारा बोर्ड में गठित हो। कला संस्कृति सेवा संस्थान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर शहर में एक और रेलवे ब्रिज बनाने की मांग की। अध्यक्ष दुर्गेश पानेरी ने बताया कि बढ़ती आबादी को देखते हुए वर्तमान रेलवे फाटक पर आए दिन जाम की समस्या निदान के लिए एक और रेलवे और ब्रिज नितांत आवश्यकता है। अध्यक्ष पानेरी ने कहा कि भीलवाड़ा में ट्रैफिक की मूलभूत समस्या है, जिसके तहत आए दिन जाम लगता है एवं एक्सीडेंट होते हैं। जनहित में एक और रेलवे ओवरब्रिज पास कर भीलवाड़ा वासियों की समस्या का निदान कराए। इससे पूर्व 1980 में रेलवे ओवर ब्रिज बना था, जो वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए अपर्याप्त है। बजट 2023 में भीलवाड़ा में एक और रेलवे ब्रिज पास करने की घोषणा करें। मांग करने वालों में संस्थान के रविशंकर पौराणिक, प्रदीप व्यास, नितिका चतुर्वेदी, रुजुता शर्मा, अलका व्यास, रोहित शर्मा आदि ने मांग की। बोलिए, तेरापंथ समाज की तरफ से जो एक मूल जन समस्या आ रही है कि पटरी के पार से जो तीसरे का ट्रैफिक बना है, उसके लिए एक रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर तेरापंथ युवक परिषद एक ज्ञापन दे रही है आज कलेक्टर साहब के नाम पे कि ये ओवरब्रिज बनना चाहिए। और ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पुलिया ओवरब्रिज बनाने के लिए
एक संघर्ष समिति बनाई है बीजेपी ने, उसके तहत ये ज्ञापन दिया था। आपका नाम बदनाम? अनिल चौधरी, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। सर अमौर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और समाज सेवक भी हूँ, क्योंकि कई दिनों से देख रहे हैं कि भीलवाड़ा एक बहुत कठिनाई से जूझ रही है कि ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण कितनी बार ट्रैफिक बंद होता है, कितने एक्सीडेंट होते हैं। कई बार दे चुके हैं लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए अब हम लोगों को, जन जनता जन को आगे आके इस चीज़ की मांग उठाई कि हम लोग आगे होके इस चीज़ के लिए अभी ज्ञापन जो देने जा रहे हैं हम लोग सरकार की तरफ से और हमारी जनता की तरफ से, कि बिना हम लोग इसको जल्दी से जल्दी बना के और भी इसको और जनता की जो दुर्घटनाएं हो रही है, कठिनाइयां आ रही है, उनको दूर की जाए, तो इसको जल्दी से जल्दी हमारी सरकार सुनवाई करे। कमलेश जी।